माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये देख लीजिए, मैंने बस अभी अभी अपना मेकअप कंप्लीट किया है। आई हैव मेड ब्राउन स्मोकी आईज, वेरी पिंकी न्यूडी लिप्स। बड़ी मुश्किल से ये कलर जो है अचीव हुआ है मुझसे। एंड बाकी तो मैंने नॉर्मली मेकअप रखा है। ये मेरी ड्रेस है और हेयर पे मैंने अपने कर्ल्स को सेट किया है। अभी मेरे बाल गीले हैं ये, और अभी अच्छे से कर्ल्स होंगे। पर या मैंने आज बाल स्ट्रेट नहीं किया है, अपने कर्ल्स को ही मेंटेन किया है। सो अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी फैमिली को ग्रो करने में मुझे हेल्प कीजिएगा। खूब सारे कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए। मैं आपको मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए जी, जल्दी से मेकअप शुरू कर लेते हैं। और शुरुआत में आपको पता है मैं अच्छे से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। मैंने ये यहाँ पर यूज़ किया है लिप बाम, आप जो भी आपको पसंद आप यूज़ कर सकते हैं। और फेस पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि जिसमें SPF भी है, यानी कि सनस्क्रीन भी है, तो ज़रूर लगाइए। और एज़ यूजल मैं चाहती थी कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनूं, आपको दिखाऊं कैसे पहनते हैं, लेकिन मेरी एक आंख में अगेन जिसमें नंबर ज़्यादा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं पहन पाई हूँ। श्योर इन फ्यूचर जल्दी सब कुछ बेटर होगा तो मैं ज़रूर पहनूंगी। और आफ्टर मॉइस्चराइजिंग मैं फेस पे देखिए क्या लगा रही हूँ। मैंने जो है ना स्विस ब्यूटी की BB क्रीम मंगाई थी, एंड आई स्वेयर मैंने इतनी अमेजिंग BB क्रीम कभी यूज़ नहीं करी, जिसमें अच्छा सा स्किन पे ग्लो भी आ गया है और कवरेज भी मीडियम है। अगर आप बिल्ड करना चाहें तो बिल्ड भी कर सकते हैं मीडियम टू हाई तक, पर मेरे को यही इतना बहुत था। और एज़ यूजुअल आपको पता है मैं सबसे पहले जो है इसके बाद आईब्रोज करती हूँ। आईब्रो मेरा एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं, एक ज़्यादा पतली है, एक थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो उनको सेट करने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है, तो सबसे पहले हम यही कर लेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, बेसिकली ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अभी सबसे फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है, जो है स्विस ब्यूटी की BB क्रीम। इट्स चीप एंड इट्स अमेजिंग, सो ज़रूर ट्राई कीजिए स्विस ब्यूटी का BB क्रीम और स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है। इनफैक्ट स्विस ब्यूटी का मुझे सब कुछ ही पसंद है, बस ये है कि मुझे फाउंडेशन अगर यूज़ किया है मैंने कभी, तो वो सिर्फ मेबेलिन का किया है, वो मुझे काफ़ी पसंद है, चाहे वो टिंट हो चाहे वो फाउंडेशन हो, काफ़ी पसंद है। मैंने कभी स्विस ब्यूटी ट्राई नहीं किया है, पर स्विस ब्यूटी की BB क्रीम इतनी अमेजिंग लगी, सो इन फ्यूचर आई थिंक आई विल ट्राई टू बाय देयर फाउंडेशन ऑल्सो एंड सी की उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाय द वे, आईब्रोज के बाद जो है मैंने कंसीलर लगाया है, अगेन स्विस ब्यूटी का मेरा एक ख़त्म होने वाला, तो मैंने नया मंगा लिया है ऑलरेडी, तो पहले पुराना वाला ख़त्म कर लें उसके बाद नया वाला यूज़ करेंगे। ये देख लीजिए, हाथों से अगर आप ब्लेंड करो ना तो बहुत अमेजिंग तरीके से ब्लेंड होता है, वेस्टेज भी नहीं होगी, और ये देखिए बिल्कुल कवरेज, फुल कवरेज दे देता है। और जो है ना बिल्कुल डार्क जो सर्कल्स हैं या लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, वो सब कवर हो जाती हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे आपको ज़रूरत है आप ज़रूर लगाइए, और उसके बाद जो है ना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लीजिए एंड में। उससे क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा, कहीं भी एक्सेस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक थी, मैंने उसी को यूज़ किया है एज अ आई शेडो। एक्चुअली आई शेडो भी था, लेकिन बेस बनाने के लिए मैंने लिपस्टिक को यूज़ किया, उसके ऊपर मैं ब्राउन आई शेडो भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने बेस तैयार कर लिया था, अच्छे से बेस तैयार कर लिया लिपस्टिक से। ब्राउन आईलाइनर है आपके पास, ब्राउन काजल है आपके पास, उससे भी कर सकते हैं आप, मेरे पास नहीं था तो मैंने लिपस्टिक को यूज़ किया है। जो भी आपके पास हो उसी से क्रिएट करने की कोशिश किया कीजिए। और ये देखिए, मैंने ब्राउन आई शेडो ले लिया, ये देखिए अब उसके ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ, उससे बेस भी सेट हो जाएगा और एक नाइस कलर मिलेगा, ठीक है।
और जो हमारी क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन ये देखिए मेरी नाक के पास थोड़ा शेडो लग गया है, तो मैंने इसको ऑफ कैमरा जो है क्लीन कर लिया था। ऐसा कुछ हो तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत डार्क सा जो है मरूनिश कलर लिया है जो मैं क्रीज लाइन में लगाऊंगी, जो ट्रांजिशन कलर बनेगा देखिए, वरना खाली ब्राउन ब्राउन आंखों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो मेक श्योर कि आप ट्रांजिशन कलर ज़रूर लगाइए। ट्रांजिशन कलर ऐसा होना चाहिए जो उस या तो उससे बहुत ज़्यादा डार्क हो या तो कंट्रास्ट में हो। तो ब्राउन से डार्क क्या मिलेगा, ब्लैक लगाओगे तो नज़र ही नहीं आएगा, फिर वो सेम ही लगेगा। इसलिए मेरे को लगा कि डार्क रेड या डार्क मेरून कलर जो है ना वो ट्रांजिशन के तौर पे बहुत अमेजिंग लगेगा। मैं ब्लैक स्मोकी आई में भी वही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया, और फिर मैंने जो है पाउडर लगा लिया था, और जो भी थोड़ा बहुत आई शेडो इधर उधर गिरा होगा वो भी जो है उसके साथ निकल जाएगा। अब मैंने ब्राउन और मरून दोनों कलर को लेकर के वाटर लाइन में लगाया है, अंडर आई कह सकते हैं आप, और जो भी मुझे एक्सेस लगा उसको मैंने साफ कर लिया। ये देखिए इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। आपको काजल वाजल लगाना है तो आप ब्राउन काजल वाटर लाइन में लगा सकते हो, मेरे पास नहीं है और ना मुझे ज़रूरत लगी लगाने की तो मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मैंने आईलाइनर लगा लिया था ऑफ कैमरा आप देख सकते हो, और मैं आईलाइनर के ऊपर भी दोबारा से ब्राउन शेड लगा रही, क्योंकि आईलाइनर नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने खाली विंग का एरिया छोड़ करके बाकी हर जगह जो है पाउडर ब्राउन जो आई शेडो है वो लगा दिया है। मस्कारा अच्छे से लगा लीजिए, अपर आईलैश और लोअर आईलैश दोनों जगह अच्छे से लगाइए ताकि आपकी आईज खूबसूरत दिखें। और बार बार पाउडर तो नहीं लगाती मैं, ब्रश से जो है ना एक्सेस कहीं कुछ गिर गया हो तो उसको वाइप आउट करती रहती हूँ। ये देखिए मैंने एक फ्लैट सा छोटा सा ब्रश लिया और उससे जो है इनर कॉर्नर्स पे मैंने शिमर लगा दिया, और आईब्राउज के नीचे भी शिमर लगा दिया। इससे जो है ना जब लाइट पड़ेगी आपके फेस पे तो ये प्रोमिनेंट बहुत अच्छा दिखेगा, तो एक्सेस लगे तो आप उसे हाथ से स्मच कर सकते हो। ये देखिए नाक के सेंटर में मैंने और नाक के पॉइंट जो होता है उस पर अच्छे से मैंने ये हाइलाइटर लगा लिया है। मैं हाइलाइटर लगाने लगी थी, फिर मैंने देखा कि मैंने अभी तक ब्लश तो लगाया नहीं, फिर मैंने ब्लश का पैलेट निकाला और इसमें से ये सारे मिक्स करके एक साथ और मैंने लगा लिया। ये देखिए इसमें लाइट शेड्स भी हैं, थोड़े डार्क शेड्स भी हैं, तो ये काफ़ी अमेजिंग सा शेड बन जाता है, बिल्कुल नेचुरल सा। और ये देखो ये लगा लो, उसके बाद ना अगर आपको लगे कि एक्सेस है तो आप जो पाउडर वाला ब्रश है ना उससे थोड़ा सा फेर दोगे तो ये बैलेंस हो जाता है, तो ये कर सकते हो आप। ये देखो ये मैंने किया, मुझे लगा थोड़ा एक्सेस हो गया है तो मैंने इसको ऐसे ब्लेंड कर लिया। आज मैंने नोज़ के ऊपर ब्लश नहीं लगाया, फिर देखिए छोटे से ब्रश से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं भी दिखाऊंगी आपको, ये वाला हाइलाइटर है बहुत अमेजिंग हाइलाइटर है, फिर मैंने एक नया भी मंगाया है, मुझे ध्यान नहीं है कि वो मार्स का है या स्विस ब्यूटी का है, जो भी है बहुत अमेजिंग है, बहुत तारीफ सुनी है तभी मैंने उसको मंगाया है, कल तक आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए ज़्यादा हाइलाइटर मत लगाइए, इतना ही लगाइए कि अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है पाउडरी, क्योंकि ये फैक्ट है कि मेकअप कैमरा पे बहुत डिफरेंट दिखता है लेकिन इन रियलिटी इट इज़ अ पाउडर ओनली, तो वो आपके फेस पे एक्सेस पाउडर की तरह दिखाई देगा, वो अच्छा नहीं लगता। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यूजिंग अ रेड लिपस्टिक बट देन मैंने ये पिंकिश पिंकिश डार्क पिंकिश मरूनिश लिपस्टिक लगाई जो मैंने ब्लेंड कर दी थी। लगाने के बाद मैंने इस पे इसको इसके आसपास लिप लाइनर लगा दिया, फिर मैंने ग्लॉस लगाया और उसके बाद ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने ग्लॉस वाइप आउट कर दिया और काफ़ी हल्की कर दी लिपस्टिक, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया जो न्यूड लिपस्टिक थी मेरे पास वो मैंने हल्की सी इसके ऊपर लगाई, उसके बाद जा करके जो है मुझे एक पिंकी न्यूड शेड मिला है। देखिए कितना गंदा कलर लग रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने कहा क्या है यार, तो मैंने इसको फिर वाइप आउट कर दिया। मैंने पहले न्यूड लिपस्टिक लगाने की कोशिश की पर वो नजर ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा क्या किया जाए, फिर मैंने वाइप आउट किया। ये देखिए और ये आई एरिया पे और चिन एरिया पे मैंने पाउडर को लगाया था कि चिजल लुक मिले आपको, क्लीन हो जाए इधर उधर कहीं। मैं फिर बोल रही हूँ लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने देखो उसको रिमूव करके और फिर न्यूड लिपस्टिक लगाई है, तब जाके ये अचीव किया है मैंने। और अब मैं मूस लगा रही हूँ अपने बालों में, पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ जड़ों में लगा लूँगी, आई मीन रूट्स में,
कितनी क्यूट लग रही थी। उसके बाद मैं ये स्ट्रेटनर वाला सीरम लगाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट फ्लॉन्ट माई यू नो कर्ल्स, ये देख रहे हो मेरे सर पे कितने कम बाल है क्राउन एरिया पे। फिर मैंने अपने बालों में अच्छे से ये मूस लगा करके और इसको क्रंच किया है। इससे जो है ना आपके कर्ल्स सेट हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक सेट रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ अभी, जब जब मैंने ये सेट किए थे तो बाल गीले थे, थोड़ी देर में और अच्छे से सेट हो जाएंगे।